तो हे गाइस वेलकम बैक वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सभी के। तो मैं हूं आपका शशांक बैक अगेन एक नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग होने वाला काफी खास, काफी इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा काफी हो गया। तो काफी के साथ मैं एक बात आपको बता दूं, तो आज हम जाने वाले हैं ZSI हेड के हेडक्वार्टर्स में। ZSI अगर आपको नहीं पता तो ZSI का मतलब है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इनके अंदर इंडिया के सारे जू फॉरेस्ट वगैरह की एडमिनिस्ट्रेशन आता है। तो काफ़ी ज़्यादा यू नो अपने नेशनल लेवल का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ये ऑफिस है, क्योंकि ये हेडक्वार्टर्स है एंड वी आर इन कलकत्ता। तो कलकत्ता मैं इसी पर्पज से आया था, कुछ अपने घर पे भी आना था। एंड सेकंड थिंग वाज कि अपने को अटेंड करनी थी वाइल्ड लाइफ फ्रेंड के ऊपर एक छोटी सी वर्कशॉप। छोटी सी क्या, काफ़ी बड़ी है यार, सॉरी छोटी सी तो बेइज्जती हुई, छोटी सी काफ़ी बढ़िया और बड़ी इन्फॉर्मेटिव वर्कशॉप। तो आज है उसका डे टू। कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, रीज़न ये था कि मैं भी समझना चाह रहा था कि चीज़ें हैं क्या, क्या हो रहा है, उस हिसाब से मैं ब्लॉग बनाता, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। लेकिन आज का ये ब्लॉग बनने वाला है। अभी मैं सो के उठाऊँ, अभी देखो तो ऐसे ही घूम रहा हूँ। अभी थोड़ा अंदर चल के चेंज वेंज करना है, चेंज करके निकलना है। तो लेट्स गो, चेंज करते हैं फिर मिलते हैं आपको डायरेक्ट। आज थोड़ी सी कलकत्ता की सैर कराते हैं और उसके साथ आपको ZSI हेडक्वार्टर्स का अगर मैं कुछ अंदर दिखा पाया तो वो भी दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है भाई, देखो मैं एज अ वहाँ पर पार्टिसिपेंट जा रहा हूँ तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा तब वहाँ पर क्या है क्या नहीं है टोटली मतलब ZSI हेडक्वार्टर्स में। लेकिन हाँ, आई हैव टू रिस्पेक्ट द वैल्यूज एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट उस जगह की अहमियत, क्योंकि भाई वो हेडक्वार्टर्स है, नेशनल एसेट। तो उसको हार्म ना करते हुए और उस चीज जगह की रिस्पेक्ट में आपको जितने मैं चीज़ें दिखा पाऊंगा कितने। लाइक मैंने कल विजिट करा, आई वाज सो फ्रीकिंग अमेज्ड। मैंने ऐसे आर्टिफैक्ट्स, ऐसे वाइल्ड लाइफ से रिगार्डिंग जितने आर्टिकल्स होते हैं जिंदगी में नहीं देखे, इसलिए मैंने कल देखे। यू वॉन्ट बिलीव, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ, बहुत बहुत सारी, जो सर मैं डिटेल में समझाऊँ तो समझाना पाऊँ, लेकिन मैं आज आपको डायरेक्ट दिखाने वाला हूँ। एंड अगर मैं छोटा सा कॉन्टेक्ट सुना तो मैंने वहाँ पर ऑस्ट्रोलॉजी वाले बोन्स वाले सेक्शन में मैंने वहाँ पर एक वर्टीब्रेट देखी, जो कि वर्टीब्रेट थी, वर्टीब्रेट मतलब कमर की हड्डी, वेल की, ब्लू वेल की, मेरे हाइट से ये बड़ी थी। तो अब आप सोच लो वहाँ इसे इंटैक्ट भी से रखे। हेड्स ऑफ टू एडमिनिस्ट्रेशन, हेड्स ऑफ टू ZSI के जितना भी वहाँ मेंबर्स हैं, जितने भी वहाँ ऑफिसर्स हैं, कि उन्होंने इतना अच्छा काम कर रखा है, कि सब मेंटेन कर रखा है। तो फिलहाल अभी चेंज करते हैं, देन चलते हैं। ये हमारी ग्रेस मेहमान हैं। हाँ जी सर, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो फिलहाल चेंज करते हैं फिर चलते हैं। मामी बाय बाय, मिलते हैं। सो हे गाइस वेलकम बैक। तो भैया हम रेडी वेडी हो चुके हैं पूरा ड्रेस कोड में अपने लॉ वाले, एंड साथ में यहाँ वर्कशॉप के एक बैग एंड कुछ इसमें वहाँ के मतलब बुक। एंड हियर वी हैव आवर इंपोर्टेड कैमरामैन सर, हमारी आदरणीय पूजनीय दीदी श्री। इनको यहाँ गर्मी बढ़ती लग रही है लेकिन मुझे कंपेरेटिवली इतनी नहीं लग रही, ये गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी है। ह्यूमिडिटी। तो फिलहाल हमारी गाड़ी आ चुकी है एंड हम थोड़ा बोकार टाइट करने जा रहे हैं। हम अपना बोकार टाइट करने जा रहे हैं। तो आ गई हमारी गाड़ी। How's the Josh? Always high. So we have our honorable speaker today, Dr. Malay sir. अभी तो भाई we are in the decorum, so we have to respect that. Cut. तो आज डॉक्टर मले सर का मेजर लेक्चर, राइट, और रिगार्डिंग फॉरेंसिक आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगी।
राइट नाउ वी आर इन एनाडेल हॉल. एंड एनाडेल हॉल ये इस जगह का इसलिए नाम है क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन द नेम ऑफ टी एन एनाडेल, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ जेड एस आई इन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. आई थिंक यार आज के ना ज़्यादा बढ़िया पढ़े लिखे ब्लॉग बना रहे हैं अपन, क्योंकि ऐसी सही जगह आके हम लोग को मौका मिला. एंड राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस व्लॉग क्योंकि यार इतनी फॉर्मल जगह पर ना अपना व्लॉग व्लॉग करेंगे तो लोगों को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए पूरा हॉल खाली है एंड इट्स जस्ट मी एंड यू गाइस राइट नाउ इन हियर. तो मेरे को भी थोड़ा वियर्ड लग रहा था कि हमने व्लॉगिंग करना, तो अभी यार इतना बढ़िया लगता नहीं यहाँ के. दिस इज़ द मोस्ट इलीट प्लेटफॉर्म ऑफ फॉरेस्ट्री ऑफ वाइल्ड लाइफ इन आर कंट्री एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई गॉट अ चांस यहाँ पर आके ये वर्कशॉप अटेंड करने का. बहुत वेराइटी ऑफ मुझे ना सही तरह इन्फॉर्मेशन मिल रहा है. एंड हो सकता है ये ब्लॉग थोड़ा सिनेमैटिक टाइप हो क्योंकि भाई मैं नहीं चाह रहा ना कि क्या होगी कोई मतलब सवाल उठाए कि ऐसे करो या वैसा करा या इस जगह इस प्रतिष्ठान की मर्यादा का पालन करना है. थैंक्स थैंक्स कोई नहीं अच्छी वाली चाहे तो इन दिया तुम्हारे भाई की. चलो खैर ज़रा चलते हैं और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा. क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने में, एविडेंस कलेक्ट करने में एंड हमारे आए हुए तो दिया है राइट नाउ सब जितने भी हमारे एविडेंस हैं उनको नोट डाउन कर रहे हैं. एंड बाकी हमारी आधी टीम वहाँ पर है जो कि अभी एविडेंस जो कलेक्ट करें उनकी जियो टैगिंग करें, मतलब जहाँ पर भी जिस भी कोऑर्डिनेट्स पर वो मिले हैं. क्योंकि फिलहाल कुछ लोगों को समझ आ रहा होगा, जो कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा, जिनको समझ आ रहा है दैट्स वेरी गुड, नहीं समझ आ रहा वील गेट यू टू द पॉइंट कि हम लोग कर क्या रहे हैं. तो दिस इज बेसिकली वी कैन से दैट एक छोटी सी ड्रिल जो कि एक क्राइम सीन बनाया गया. क्राइम सीन में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या क्राइम हुआ है, किस बे मतलब कितने लोग थे एंड एवरीथिंग फ्रॉम जीरो टू यू विल गेट दैट पर्सन हु हैज़ डन द क्राइम टू द कन्विक्शन. सो वी आर डूइंग सो एंड हियर आर आर एविडेंसेस. सो हियर वी आर ऑन अ डमी क्राइम सीन एंड वेयर वी आर कंडक्टिंग अ स्मॉल टाइप लाइक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन. आई विल शो यू वेयर वी आर. देयर आर सम फेदर्स, देयर इज अनदर थिंग. That was the pangola, not the pigeon. Where is the scale? This is the, I have a scale. I have six scale. अरे दो अलग evidences हैं ना, but number तो मुझे 13 देने के लिए बोला 13 A और B कर दो ना उसमें क्या 13 A और 13 B. What a place! What a marvelous place! This place is true gem, a treasure for our country and wildlife. We got a chance कि हमने वही यहाँ पर अभी वो करा, मतलब कि DNA lab में गए एंड हम मतलब यहाँ पर lab में गए एंड DNA के ऊपर काम करा, DNA निकाला अपने हाथ से. भाई आपको बताऊँ ना कि I am from a commerce background, studying law and pursuing film making. उसमें तीसरी चीज़ आ गई हम बिल्कुल इतनी heavy मतलब heavier type मतलब important level की science में. वी आर लाइक इन डी एन ए एंड फॉरेंसिक्स एंड लैब. तो भाई ये इस एक्सपीरियंस को ना मैं बता बयान नहीं कर सकता कि मैंने तक डी एन ए में काम करा. आई कैंट बिलीव सीरियसली. तो उनको गर्मी लग रही है महाराज को हमारे को. हेलो गर्मी कितनी है पक्षी? फिलहाल अभी चल रहे घूमने तो ये अलग ब्लॉग में आएगा घूमने घामने वाला. तो यही था हमारा आज का जेड एस आई का ब्लॉग. अभी तो फिलहाल लेट्स लीव बाहर निकलते हैं.